24 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। बेबाक बयानबाजी जिसका अंदाज है, विवादों का जो बादशाह है। देखिए, हम जीतने के लिए तो नहीं लड़ेंगे, झूठ नहीं बोलते हम राजनीति में। जो बोलता है बिना लाग लपेट, सियासी चोला पहनकर भी, जो नहीं रखता दिल में खोट। यूपी में हम बेहतर प्रदर्शन किए हैं, उसी तरह हमारा यूपी में लोकसभा में भी बेहतर प्रदर्शन है। यूपी की सियासत में एक छोटा लेकिन सबसे डिमांडिंग चेहरा। जिसने पूर्वांचल में सपा को दिलाई बढ़त, जिसने 24 के चक्रव्यूह में बदल दिया गेम। अब जिन्होंने आश्वासन दिया, अब एसपीआरए पर विश्वास न करें, एडिशनल एसपी पर विश्वास न करें, किस पे किया जाए। पीली टोपी छड़ी निशान, नाम है ओम प्रकाश राजभर। यूपी की सियासत में कास्ट फैक्टर को हथियार बनाकर जितने भी नेता उभरे, उनमें ओपी राजभर मौजूदा सियासत में सबसे डिमांडिंग और एक्टिव है। यूं तो ओम प्रकाश राजभर हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन आज उनके चर्चा की वजह है 24 का चुनावी चक्रव्यूह। और इसी व्यूह की रचना में ओम प्रकाश राजभर का किरदार, अमित शाह से मुलाकात और 24 में बीजेपी के साथ जाने से यूपी में क्या कुछ बदलने वाला है, इसकी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। व्यक्ति विशेष में आज बात होगी ओपी राजभर की। बताएंगे ओपी राजभर की ताकत क्या है, क्यों हर दल उन्हें अपने साथ चाहता है, वो कौन से फैक्टर हैं जो राजभर के आने से 24 के चुनाव में बदलने वाले हैं। तो बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो व्यक्ति विशेष। 2024 की फाइनल फाइट की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, एनडीए और यूपीए दोनों अपने अपने कुनबे को मजबूत करने में जुट गए हैं। बीजेपी ने यूपी में मिशन 80 का ऐलान कर दिया है और इसी मिशन को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान के सियासत के चाणक्य यानी कि अमित शाह ने एक ऐसा दांव चला जो यूपी में विपक्ष को चारों खाने चित करने वाला है। व्यक्ति विशेष में आज बात उसी शख्स की होगी जो बीजेपी को यूपी में 80 में 80 सीटें दिलवाने का दम भर रहा है, या यूं कहे कि यूपी की सियासत का वो नाम जो अपने बेबाक अंदाज जबरदस्त राजनीतिक चाल के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं ओपी राजभर की। शाह का इशारा, राजभर ने बदला नारा। राज प्लस योगी, यूपी के लिए बड़े उपयोगी। मिल गए राजभर, बीजेपी को अब वोट भर भर कर। यूपी की सियासत में आज बड़ा उलटफेर हो गया। जो तय था वो होना ही था, लेकिन हुआ तो सपा और कांग्रेस की नींद उड़ गई। वजह है ये तस्वीर। सियासत के चाणक्य अमित शाह ने इशारा किया तो राजभर एनडीए की गली लौट चले। सीएम योगी से राजभर की पहले ही मुलाकात हो चुकी थी, बस इंतजार था राजभर की घर वापसी का। यहाँ ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा महत्वपूर्ण है मिशन 2024, इसीलिए हम आज ओम प्रकाश राजभर की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की कहानी से पहले मिशन 2024 को भी बारीकी से समझ लेना चाहिए, जिसके लिए ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह जैसे नेता
बीजेपी की तरफ वापस लौट रहे हैं। 13 मई 2023 कर्नाटक चुनाव के नतीजों का दिन, 24 के चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाला ये चुनाव नतीजों के साथ दो तस्वीरें लेकर आया। एक तरफ विपक्षी कुनबे की एकता, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए 2024 की तैयारी को नए सिरे से तैयार करने का मौका। इसी तैयारी का एक हिस्सा यूपी में मिशन 80 है, जिसके ओम प्रकाश राजभर अब अहम किरदार बन चुके हैं। एनडीए में शामिल होने के लिए जो प्रयास किया, एनडीए में शामिल हुए, इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। और गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के हित के लिए जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उस लड़ाई में हम लोग भी शामिल होकर। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। देश के गृह मंत्री, सियासत के चाणक्य अमित शाह ने खुद इस तस्वीर को शेयर कर ओपी राजभर और उनकी पार्टी SBSP के 2024 में साथ आने का ऐलान किया, जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक बड़ा झटका है। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी राजग का हिस्सा होंगे। परम आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। आज माननीय गृह मंत्री जी ने सोशल मीडिया में जानकारी भी दी और राजभर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको बताया है। राजग का कुनबा मजबूत हुआ है और ये अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, हम प्रदेश की सभी सीटों पर, यानी 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। देखिए, ओपी राजभर जी को मैं आज से नहीं, 25-30 साल से जानता हूं। ये तो थे ही एनडीए में, ये थे ही भाजपा के मंत्री। ज्ञान चक्षु खुले, अखिलेश जी के पास पहुंच गए। अब अखिलेश जी के बाद दोबारा ज्ञान चक्षु खुले, एनडीए में बैठ गए। तो सुबह कहां होगी, शाम कहां होगी, ये तो शायद राजभर जी खुद भी नहीं बता सकते। तो ओम प्रकाश राजभर जी, हमें लगता है कि उनके ऊपर कोई CBI ED का किसी तरह का बहुत दबाव है, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। अगर नहीं कदम उठाया है तो पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज को, जिसकी वो बात करते हैं, राजभर युवा आज उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि पिछड़ों को 52% आरक्षण मिले। वो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, वो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय समिति की जो सिफारिशात है योगी आदित्यनाथ जी, उसको लागू कर पिछड़ों को न्याय दें। तो ओम प्रकाश राजभर जी को बहुत ही डिटेल्ड बात उनको बतानी पड़ेगी और ये भी बतानी पड़ेगी। पूर्वांचल की दर्जनों सीटों पर बड़ा उलटफेर करने में सक्षम सुहेल देव राजभर पार्टी के एनडीए में जाने से सबसे बड़ा झटका सपा को लगा है, लेकिन कांग्रेस को भी कम दर्द नहीं हो रहा। वैसे भी ओपी राजभर अपने बयानों से इन दलों को वक्त बेवक्त छकाते रहे हैं। सीटों के संबंध में और सारी बातें बाद में होंगी। 18 तारीख को जो एनडीए की बैठक है दिल्ली, उसमें शामिल होंगे। उस दिन कुछ बात होगी तो उसको बताएंगे। अब अखिलेश यादव जी के लिए क्या कहेंगे, अब पीडीए के लिए क्या कहेंगे? अब वो अपना पीडीए चला में, समाजवादी पार्टी चला में, हम अपनी पार्टी एनडीए में शामिल हैं, एनडीए और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के। हालांकि राजभर के एनडीए में आने से निषाद पार्टी थोड़ी असहज जरूर होगी, क्योंकि दोनों कमोबेश एक ही प्रभाव वाले क्षेत्र से आते हैं। वैसे भी डॉक्टर संजय निषाद और राजभर के बीच कोई खास यारी नहीं रही, लेकिन एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के चलते दोनों ही दलों का एक दूसरे को फायदा मिलेगा। देखिए, हम लोग भैया शामिल हो रहे हैं, स्वागत है। और भैया का मुद्दा, निषाद पार्टी का मुद्दा, सुहेल देव समाजवादी पार्टी, सुहेल देव पार्टी का जो मुद्दा है वो एक ही मुद्दा है कि हम दोनों लोगों की जो जातियां हैं, उपेक्षित जातियां हैं, इसे अंग्रेजों, मुगलों ने सताया था और हम लोगों को उजाड़ा था। तो अगर इन जातियों को पिछली सरकारें हमारे लिए उनके मुद्दे को हल करती तो होगा, तो इनके मुद्दे को, इनकी फाइल को तो गायब करा दिया। तो भैया का मुद्दा और निषाद पार्टी का मुद्दा एक ही है। भैया आएंगे तो हम लोग इस मुद्दे को एनडीए से हल कराने में कामयाब होंगे, जो संवैधानिक, इनकी जो आरक्षण के मुद्दे हैं, जो सामाजिक भागीदारी के मुद्दे। राजग के तहत लोग जुड़ते हैं जनता की सेवा करने के लिए और सभी लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं। यदि ओम प्रकाश जी आ रहे हैं तो स्वागत है, अच्छी बात है, और उनके आने से विस्तार ही होगा हम लोगों। ओपी राजभर का दावा है कि वो शर्तों के साथ बीजेपी के साथ आए हैं। राजभर की शर्तें क्या है वो भी समझ लीजिए।
सबसे पहली मांग है राजभर को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले, जातिगत जनगणना हो, सामाजिक न्याय, समान शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, बिजली बिल माफी, पूर्वांचल राज्य बने। ओपी राजभर लंबे समय से राजभर समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग करते रहे हैं। दावा है कि अब बीजेपी के साथ उनकी बात बन गई है। हालांकि जानकार कहते हैं कि पर्दे के पीछे की शर्तें कुछ और हैं, जिनका सीधा फायदा ओपी राजभर को आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यूपी के सियासत में यूं तो हर जाति और उस जाति के नेताओं का अपना समीकरण है, लेकिन खासकर पूर्वांचल में राजभर फैक्टर कितना हावी है, इसका अंदाजा आप सिर्फ दो चुनाव नतीजों के विश्लेषण से लगा सकते हैं। सबसे पहले हम आपको 2017-2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर फैक्टर समझाएंगे, बताएंगे सपा के साथ जाने से राजभर ने किस तरह से बीजेपी का गेम बिगाड़ दिया था और किस तरह एनडीए में उनकी वापसी से बीजेपी यूपी में क्लीन स्वीप के सपने को साकार कर सकती है। राजभर की चर्चा पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक हो रखी है, तो उसकी एक बड़ी वजह भी है। सबसे पहले अयोध्या सीट की बात करते हैं। 2017 में ओपी राजभर बीजेपी के साथ थे, तब अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों पर कमल खिला था, सपा बसपा का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन 2022 में राजभर ने पाला बदला, नतीजा ये हुआ कि बीजेपी 3 सीटों पर सिमट गई, जबकि सपा को राजभर के आने से 2 सीटों का फायदा हुआ। और ये सब तब हुआ जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या नगर का दिन रात विकास हो रहा है, बावजूद इसके राजभर फैक्टर चुनाव में खेल कर गया। एक वक्त में अवध यानी अयोध्या को ही पूर्वांचल का गेट माना जाता था, लेकिन अंबेडकर नगर जब से जिला बना तब से हालात बदल गए। अंबेडकर नगर में भी राजभर फैक्टर चुनाव में काफी प्रभावी रहा। अंबेडकर नगर को बीएसपी का गढ़ माना जाता है। 2017 के इलेक्शन में राजभर के साथ बीजेपी 5 में से 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि 3 सीटों पर बीएसपी और सपा का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन 2022 में राजभर के साथ आने से यहां भी खेल बदल गया और अंबेडकर नगर में सपा ने 5 की 5 सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी और बीएसपी का खाता भी नहीं खुला, तो इसके पीछे भी राजभर फैक्टर माना गया। हालांकि यहां बीएसपी से आए राम अचल राजभर और लालजी वर्मा का असर भी साफ तौर पर देखने को मिला, जो जिले की 5 सीटों पर सपा दौड़ी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का असर सिर्फ एक इलाके में दिखाई नहीं देता है, बल्कि वो कई सारी पार्टियों के गढ़ में भी गेम चेंजर साबित हुए हैं। बात करें हम बहुजन समाज पार्टी के गढ़ अंबेडकर नगर की, या फिर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ अयोध्या की, या फिर समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ की, तमाम जगहों पर अपना जादू ओम प्रकाश राजभर दिखा चुके हैं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टियों का गढ़ माना जाता है। एक वक्त इस जिले में बीजेपी का कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता था, लेकिन अब बीजेपी से यहां दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद हैं। 2022 की विधानसभा चुनावों में आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर सपा जीती थी, लेकिन सभी सीटों पर बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी थी। तो वहीं मऊ की बात करें तो 2017 में यहां राजभर के साथ बीजेपी उतरी और जिले की 4 से 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। वहीं बीएसपी को 1 सीट मिली थी, जबकि सपा का खाता तक नहीं खुला। 2022 में राजभर बीजेपी को छोड़ सपा के साथ आए तो समाजवादी पार्टी गठबंधन को 4 में से 3 सीट मिली, जबकि बीजेपी गठबंधन सिर्फ 1 ही सीट जीत पाया। दरअसल पूर्वी यूपी में कास्ट फैक्टर सबसे अधिक हावी होता है, जबकि इस मामले में राजभर का वोटर सबसे कट्टर है। राजभर जिधर जाते हैं वोटर भी उधर जाता है, और यही वजह है कि 2017 के चुनाव में राजभर बीजेपी के साथ थे, तब गाजीपुर के 7 विधानसभा सीटों में से 5 बीजेपी गठबंधन ने जीती, जबकि सपा सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। वहीं 2022 में जब राजभर ने पाला बदला और सपा के साथ आए तो खेल बदल गया और तब सपा गठबंधन ने गाजीपुर में क्लीन स्वीप किया, जबकि बीजेपी का इस जिले में खाता तक नहीं खुला। यही वजह है
जिसके बाद हर मंच पर हो रही है। हर रैली से बीजेपी और सपा को अपनी ताकत बताने में लगे हैं। अब 24 से पहले राजभर एक बार फिर से एनडीए की तरफ से बैटिंग करने उतर रहे हैं, जिसका साफ तौर पर मतलब है कि सपा बसपा का खेल बिगड़ने वाला है। ओपी राजभर की ताकत उनका अपना वोट बैंक है। यूपी में करीब 4% और पूर्वांचल में 18% हिस्सेदारी रखने वाला ये मतदाता ओपी राजभर का इतना बड़ा फैन है कि राजभर के गुट बदलते ही वोट बैंक भी शिफ्ट हो जाता है। लेकिन सवाल ये कि क्या राजभर यूं ही बीजेपी के साथ चले गए? ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर वो कौन सी डील है, सीटों का वो कौन सा समीकरण है जिसे बीजेपी ने ओपी राजभर को ऑफर किया है? यूपी की सियासत में योगी अखिलेश और मायावती के बाद जिस नाम की सबसे अधिक चर्चा होती है वो है ओम प्रकाश राजभर। राजभर की ताकत उनका अपना वोट बैंक है, जो पूर्वांचल के अलावा यूपी के दूसरे हिस्सों में भी अच्छा खासा दखल देता रहा है। राजभर का वोट उनकी ताकत है और सियासी दांवपेच उनका हुनर। इन्हीं दो हथियारों के दम पर वो सियासत में सौदेबाजी करते रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी में राजभर वोट बैंक करीब 4% है, जबकि पूर्वांचल में राजभर वोटर करीब 18%, जो किसी भी दल का खेल बिगाड़ने के लिए काफी है। यही वजह है कि बीजेपी मिशन 80 के लिए राजभर को जरूरी और मजबूरी दोनों समझ रखी है। लेकिन राजभर के साथ आने से अब एनडीए मजबूत हुई तो सपा का खेल बिगड़ना तय माना जा रहा है। पूर्वांचल में छोटे छोटी पार्टियों का एक बड़ा महत्व है। राजभर जो वोट बैंक है वो लगभग 15-20 सीटों पे सीधा प्रभाव डालता है और 12-20% उनका वोट है। पिछले 2019 में जिस तरीके से चुनाव में राजभर नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा में, तो वहाँ बहुजन समाज पार्टी ने आजमगढ़ के आसपास जितना भी इलाका है वहाँ पे 10 लोकसभा सीटें टोटल पूर्वांचल और पश्चिम में जीती थी। छोटे दलों के प्रभाव को यूपी चुनाव 2022 से पहले अखिलेश यादव ने समझा था और समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने में सफलता हासिल की, जिसका पार्टी को चुनाव में रिजल्ट भी मिला। लेकिन मौका मिलते ही राजभर सपा से छिटके तो बीजेपी ने उन्हें लपकने में देरी नहीं की, क्योंकि करीब 16 लोकसभा सीटें राजभर मतदाताओं का इन पर तगड़ा प्रभाव है, जिनमें वाराणसी, जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, इलाहाबाद, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, मछली शहर और भदोही लोकसभा सीटों पर प्रभाव माने जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में वापसी के बाद बीजेपी को इन 16 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। ओम प्रकाश राजभर का एक डेडिकेटेड वोट बैंक है, वो वोट बैंक उनके पाला बदलने के साथ ही मूव हो जाता है। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में इसका सीधा असर भी देखने को मिला है। पूर्वांचल की 16 सीटों पर राजभर का एक बड़ा वोट बैंक है, जो किसी भी प्रत्याशी की जीत और हार तय कर सकता है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में एक्टिव हों, मतदाताओं को लुभाने के प्रयास हो रहे हों, लेकिन पूर्वांचल में राजभर को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर सुबह सुपा प्रमुख दावा करते हैं कि उन्हें केवल राजभर ही नहीं बिंद, निषाद, बंजारा, मौर्य, कश्यप, कुशवा जैसी अन्य पिछड़ी जातियों का समर्थन हासिल है। वे लोकसभा की 26 और विधानसभा की 153 सीटों पर प्रभाव होने का दावा करते हैं। हालांकि बीजेपी के साथ जाने से उन्हें क्या फायदा होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी गाजीपुर उपचुनाव में राजभर के बेटे अरुण राजभर को उतार सकती है। इसके साथ गठबंधन का लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा और राजभर को तोहफा भी मिल जाएगा। और इसके अलावा ओपी राजभर को योगी कैबिनेट में जगह भी मिल सकती है। हालांकि अभी तक इनमें से किसी भी खबर को बीजेपी या राजभर ने औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। भाजपा की ये मजबूरी है कि वो इस विपक्ष की इस रणनीति को काउंटर करने के लिए जो उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण है उनको साधा जाए, तो निश्चित रूप से राजभर समाज जो है वो कई पूर्वांचल के, विशेष रूप से पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर की संख्या ठीक ठाक है, चुनाव में वो एक अंकगणित सही बैठा देते हैं।
इसलिए भाजपा को उनकी ज़रूरत है। और जहाँ तक राजभर का सवाल है तो राजभर की मजबूरी ये है कि वो साथ में राजनीति में आना चाहते हैं, अपने बेटे को भी प्रमोट करना चाहते हैं, सत्ता का सुख भी लेना चाहते हैं। भले ही अभी तक इस बात का खुलासा ना हुआ हो कि राजभर को इस गठबंधन से क्या मिलने वाला है, लेकिन एक बात तो तय है, सियासत का ये मजा हुआ खिलाड़ी कभी घाटे का सौदा नहीं करता। वादा ना हो तो राजभर एक मिनट भी किसी दल के करीब नहीं टिकता। फिर बीजेपी की जरूरत को समझकर जाहिर है कि ओपी राजभर ने जमकर सौदेबाजी की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बीजेपी ने यूपी में 80 में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अगर मोदी और योगी की जोड़ी यूपी में 80 में 80 सीट जीत जाती है तो देश में बीजेपी की जीत और बड़ी हो जाएगी। यूपी में क्लीन स्वीप का मैजिक आज तक कोई नहीं कर पाया, लेकिन जो कभी नहीं हुआ वो शाह की रणनीति, योगी के करिश्मे और राजभर के साथ से क्या मुमकिन हो सकता है, ये समझना भी जरूरी है। वो हमेशा भाजपा के टच में तो हमेशा ही रहे हैं और वो कहीं भाजपा से अलग तो थे नहीं, हमेशा बोलते ही रहते हैं। और फिर उनके जब भी ऐसे मौके आते हैं, चुनाव आते हैं, तो उनकी दुकान फिर से चलना शुरू हो जाती है। उनको जाना चाहिए, आजा चले जाते। अरे चुनाव 27 में होगा, 24 का तो लड़के देख लें, जीत लें गाजीपुर, जीत लें बलिया, जीत लें आजमगढ़, जीत लें लालगंज, जीत लें अम्बेडकर नगर, जीत लें उधर महाराजगंज है, बांस गांव है, गोरखपुर है, जीत लें बस्ती, संत कबीर नगर, ये सब जीत कहने लेते हैं। चले जाएं, छोड़ दें उधर सब लोग, जो परिवार के 7-8 लोग लड़ना चाहते हैं उधर लड़ा लें, पता चल जाएगा क्या हो रहा है। वो पूर्वांचल है, पश्चिमांचल नहीं है भैया मेरे। सपा और राजभर के बीच में जुबानी जंग का ये आखिरी दौर था, जिसके बाद साफ हो गया था कि अब दोनों दलों के बीच में मुकाबला ग्राउंड पर होगा। एनडीए में वापसी के बाद भी साफ हो गया कि राजभर की राहें जुदा जरूर हुई थी, लेकिन वो बीजेपी गठबंधन से ज्यादा दूर नहीं गए थे। दलित और पिछड़ों के मुद्दों पर राजभर खुद को बड़ा हितैषी बताते रहे और अखिलेश मायावती पर तंज कसते रहे, जो इस बात का इशारा था कि राजभर का रास्ता आखिरकार बीजेपी की ओर ही जाता है। पुलिस कार्रवाई न करे तब भी बदनाम, पुलिस कार्रवाई करे तब भी बदनाम, दोनों बातें हैं। अब पुलिस कहीं भी हाथ डालती है तो जो आपके बांदा से पुलिस आई है बलिया, या जो मुरादाबाद से पुलिस मऊ आई है, उसको क्या पता है। वो यहाँ के खुफिया तंत्र के द्वारा जो उसको सुराग मिलता है कि ये अपराधी यहाँ है, तो पुलिस उसी रास्ते जा रही है, कार्रवाई अपना करती है। वो सियासत में यूं तो नेताओं की जुबान का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन ओपी राजभर उन नेताओं में से हैं जो अपने वोटर्स को गारंटी देने से भी नहीं हिचकते, भले ही बाद में वो वादे से मुकर जाएं। 3 साल की गारंटी और वादे ले रहे हैं। आप क्या कोई मुसीबत होगी थाना बना जिला की, आप क्या कोई दुख होगा आप जिला पैसा में आपके दरवाजे आएंगे, आपकी मदद करेंगे, लेकिन हम 3 साल की गारंटी ले रहे हैं। 2014 से पहले पूर्वांचल के कुछ जिलों तक सीमित ओपी राजभर को दो चीजों से सबसे अधिक पहचान मिली, एक तो उनका बेबाक अंदाज और दूसरे पूर्वांचल में एनडीए का विस्तार। पहली बार बीजेपी के साथ में आने के बाद ही राजभर की पार्टी ने अपने कई उम्मीदवारों को जीत दिला दी। 2017 में बीजेपी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ा, 8 सीटों में से 4 सीटों पर सुबह सपा की जीत हुई। 2022 में सपा के साथ में सुबह सपा का गठबंधन, 18 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 में जीत मिली। हालांकि 2022 में राजभर को उम्मीद थी कि अखिलेश सत्ता में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहीं से राजभर के सुर बागी हो गए और फिर जब तक राष्ट्रपति चुनाव और दूसरे चुनावों का दौर आया तो राजभर के विधायकों ने खुल्लम खुल्ला सपा से बगावत कर साफ कर दिया कि राजभर के रास्ते अब अलग हो चुके हैं। हमने खुला वोट दिया है तो
देखो क्रॉस वोटिंग तो समाजवादी पार्टी के लोग जो बचे वो लोग किए होंगे, हमसे उसे नहीं मतलब, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि क्रॉस वोटिंग, वोटिंग के पहले ही मुझे मालूम था कि क्रॉस वोटिंग होगी। बीजेपी ने यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अगर मोदी और योगी की जोड़ी यूपी में 80 में से 80 सीटें जीत जाती है तो देश में बीजेपी की जीत और भी बड़ी हो जाएगी। यूपी में क्लीन स्वीप का मैजिक आज तक कोई नहीं कर पाया, लेकिन जो कभी नहीं हुआ वो शाह की रणनीति, योगी के करिश्मे और राजभर के साथ से मुमकिन हो पाया है। उत्तर प्रदेश में टारगेट 80 में से 80 सीटें, 100% का स्ट्राइक रेट। क्या योगी 2024 में नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ी जीत दिलाने वाले हैं? क्या मोदी की हैट्रिक में सबसे बड़ा रोल यूपी का रहने वाला है? अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी को 2019 से भी बड़ी जीत चाहिए तो उसके लिए यूपी को जीतना होगा। मोदी और योगी की अगुवाई में बीजेपी 2024 में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का प्लान बना चुकी है। इस प्लान के तहत में बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है, क्योंकि वो 2024 में यूपी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है तो 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना ही होगा। वैसे ही अब बारी 2024 के लोकसभा चुनाव की है, जिसमें बीजेपी को राजभर का भी साथ मिल चुका है। सियासत में ये कहावत बहुत मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। 80 लोकसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की खासी अहमियत है, लेकिन जब बात यूपी की सियासत की आती है तो यहाँ के जातिगत समीकरण को साधे बिना हर रणनीति बेकार है और ओपी राजभर बीजेपी के लिए इसी रणनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। व्यक्ति विशेष में आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए ब्रेक।